हेलो स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, LODR चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे। और इससे पहले हमारी एक क्लास हो चुकी है इस चैप्टर के रिगार्डिंग। उसमें हम लोगों ने ये देख लिया था कि लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट आखिर होता क्या है। फिर उसके अलावा हम लोगों ने इसके अंदर कुछ कंप्लाइंसेस पढ़े थे। मैंने आप लोगों को बताया था कि LODR लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट के अंदर जो कंप्लाइंसेस होते हैं, कुछ कंप्लाइंसेस वन टाइम होते हैं, कुछ कंप्लाइंसेस क्वार्टरली, कुछ हाफ ईयरली, कुछ ईयरली और कुछ इवेंट बेस्ड होते हैं। तो जो हम लोगों ने अपनी लास्ट क्लास पढ़ी थी इस चैप्टर के रिगार्डिंग में, है ना, ये सेकेंड क्लास है, इससे पहले एक ही क्लास हुई है, उसमें हम लोगों ने ये दोनों पढ़ लिए थे, वन टाइम कंप्लाइंस एंड क्वार्टरली कंप्लाइंस। ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे आज हाफ ईयरली कंप्लाइंस एंड सो ऑन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हाफ ईयरली कंप्लाइंस। मतलब अगर कोई भी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होती है, लिस्टेड कंपनी, तो कुछ ऐसे काम होते हैं जो कि उसे हाफ ईयर के अंदर करने पड़ते हैं, मतलब साल में दो बार करने पड़ते हैं। वो कौन कौन से काम होते हैं, अब हम वो देख लेते हैं। उसमें सबसे पहले दिया हुआ है रेगुलेशन 23 सब रेगुलेशन 9। आपको रेगुलेशन याद रखना। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये वाली रेगुलेशन आपको तब बेहतर तरीके से समझ में आएगी जब आप लोगों ने ऑलरेडी कंपनी लॉ पढ़ा हुआ है। मैंने आप लोगों को कंपनी लॉ भी पढ़ाया है, उसमें जो सेक्शन ए के अंदर है, उसमें मैंने आपको डायरेक्टर चैप्टर जब मैं पढ़ा रहा था तो उसमें सेक्शन 188 पढ़ाया था मैंने आपको, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। मैं थोड़ा सा आपको उसके बारे में अब बता देता हूं, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर हम लोग इस ट्रैक से चले जाएंगे, हम उस चैप्टर पे मूव कर जाएंगे जो कि हमें नहीं करना है। फिर भी सुन लीजिए। देखिए क्या है कि कोई कंपनी है तो उस कंपनी के बहुत सारे डायरेक्टर्स भी होते हैं, और डायरेक्टर लोग मेन लोग होते हैं क्योंकि वो कंपनी को डायरेक्शन देते हैं, डिसीजन लेते हैं। अब सपोज कीजिए कि कोई कंपनी एक मीटिंग कर रही है और कंपनी उस मीटिंग के अंदर डिस्कस करेगी कि उसे किसी दूसरी कंपनी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब कौन लेगा डिसीजन? इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेंगे। टोटल डायरेक्टर 9 हैं, उनमें से एक डायरेक्टर इस कंपनी से रिलेटेड है। इस कंपनी से क्या है? रिलेटेड है। तो सोचिए, जो एक डायरेक्टर इस कंपनी से रिलेटेड है वो हमेशा क्या चाहेगा? वो बायस्ड हो जाएगा, वो अनबायस्ड तो नहीं रहेगा। वो ये चाहेगा कि यार इस कंपनी का इस कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट हो जाने तो ज्यादा बेहतर है क्योंकि फिर मैं दोनों से रिलेटेड हो जाऊंगा। तो मैंने आपको बोला कि एक कंपनी है, एग्जांपल के तौर पे सपोज कीजिए एयरटेल कंपनी, उसके अंदर 9 डायरेक्टर है, उसमें से एक डायरेक्टर और ये है रिलायंस कंपनी। एयरटेल कंपनी बोर्ड मीटिंग करने वाली है जिसमें वो डिसाइड करेगी कि रिलायंस से कॉन्ट्रैक्ट करें कि नहीं करें। ये एक डायरेक्टर इस रिलायंस से रिलेटेड है, मतलब जिससे हम कॉन्ट्रैक्ट करने का सोच रहे हैं उससे वो ऑलरेडी रिलेटेड है। तो ये इस डायरेक्टर की जिम्मेदारी बनती है कि ये बाकी के 8 डायरेक्टर्स को पहले से डिस्क्लोज कर दे कि आप बोर्ड मीटिंग में रिलायंस के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करने का सोच रहे हैं। मैं आपको बता दूं, मैं उससे ऑलरेडी रिलेटेड। तो आप लोग सोचो कि मैं बायस होकर बोल रहा हूं कि हाँ रिलायंस से कॉन्ट्रैक्ट कर लो, ऐसा नहीं है। मैंने पहले ही डिस्क्लोज कर दिया है कि मैं रिलायंस से ऑलरेडी रिलेटेड हूं। हम इसे रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं। तो बेसिकली बोला जाए तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर कोई भी कंपनी कोई ट्रांजेक्शन करने वाली है, कोई भी ट्रांजेक्शन करने वाली है, और अगर उस कंपनी का डायरेक्टर उस ट्रांजेक्शन से या उस जो ट्रांजेक्शन जिससे होने वाला है उससे रिलेटेड है, तो वो अपनी कंपनी को बता दे कि आप जिस पार्टी से सोच रहे हो ट्रांजेक्शन करने की, मैं उससे रिलेटेड हूं। तो कल को ये मत समझना कि मैंने ये बात छुपाई है, मैंने पहले ही बता दी। एग्जाम्पल के तौर पर मैं किसी कंपनी का डायरेक्टर हूं
और वो कंपनी मान लीजिए किसी और से कॉन्ट्रैक्ट करने वाली है, मैं उसको भी जानता हूं, तो मैं अपनी कंपनी को बता दूं आप जिससे कॉन्ट्रैक्ट करने वाले मैं उसको जानता हूं, कल को यह मत सोचिएगा कि मैं छुपाना चाहता था इस बात को, मैंने डिस्क्लोज कर दिया है साहब। अब ये तो मैंने आपको नॉर्मल रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के बारे में बताया, बाकी इसके लिए सेक्शन 188 आपको डिटेल में पढ़ना पड़ता है। यहां पर मैं आपको ये बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से सुने, अब हम अपने मेन मुद्दे पर आ रहे हैं। अगर कोई लिस्टेड कंपनी है तो यह जरूरी है कि उसे अपना हाफ ईयर खत्म हो जाने पर, मतलब 6 महीने निकल जाने पर, हर साल ऐसा होता है, हर साल 6 महीने निकल जाने पर स्टॉक एक्सचेंज को यह बताना पड़ता है कि उसके डायरेक्टर, उसकी प्रमोटर किस किस से ऑलरेडी रिलेटेड है। जैसे एग्जांपल के तौर पे सपोज कीजिए रिलायंस कंपनी लिस्टेड है, तो ये क्या करेगी, ये हर 6 महीने खत्म हो जाने पर स्टॉक एक्सचेंज को बताएगी कि मेरी कंपनी में ये बंदा डायरेक्टर है, ये बंदा प्रमोटर है, और ये ऑलरेडी इतनी कंपनियों से रिलेटेड है, ये ऑलरेडी इतनी कंपनियों से रिलेटेड है, बताया जाएगा, जिससे स्टॉक एक्सचेंज को पता रहेगा कि इस कंपनी के लोग किस किस से रिलेटेड है। अब हो सकता है कि पहले 6 महीने में बताया जाए ये डायरेक्टर 6 से रिलेटेड है और ये 7 से रिलेटेड है, नेक्स्ट में हो सकता है इसका कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, इसका कम हो जाए। बेसिकली बात यह है कि हर 6 महीने के अंदर लिस्टेड कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज को बताना पड़ेगा उसके डायरेक्टर और प्रमोटर किस किस से रिलेटेड है। सिंपल बात। स्टूडेंट बोलता है सर मैं समझ गया, अब इसके बाद में एक बात और समझ लीजिए, हाफ ईयरली कंप्लाइंस में ही चल रहा है रेगुलेशन 33 सब रेगुलेशन 3, वो ये बोलता है कि हर लिस्टेड कंपनी को 6 महीने खत्म हो जाने पे उसकी कितनी असेट्स और कितनी लाइबिलिटीज हैं ये बतानी पड़ती है, क्योंकि हो सकता है असेट्स बिक गई हो या और खरीद ली हो, लाइबिलिटीज कम हो गई हो या बढ़ गई हो। बेसिकली बात इतनी सी है, आप तो दोनों को ध्यान में रख के ये समझ लो, अगर कोई भी लिस्टेड कंपनी है तो उसको अपना हाफ ईयर खत्म हो जाने पे दो काम करने पड़ते हैं। एक काम तो ये होता है कि उसे बताना पड़ता है कि कितने जो उसके डायरेक्टर और प्रमोटर है किस किस से रिलेटेड है, और दूसरा उसकी कितनी असेट्स और लाइबिलिटीज है। बस ये दो काम करने, रेगुलेशन याद रखिएगा रेगुलेशन 23 सब रेगुलेशन 9, रेगुलेशन 33 सब रेगुलेशन 3। स्टूडेंट बोलता है समझ गया सर आगे चल। अब हम आगे आ जाते हैं और ये है ईयरली कंप्लाइंस। अब हम किस पे आ रहे हैं, ईयरली कंप्लाइंस। अभी तक हमने क्या पढ़ा, वन टाइम कंप्लाइंस, क्वार्टरली कंप्लाइंस, हाफ ईयरली कंप्लाइंस, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, ईयरली कंप्लाइंस। अब देखिएगा बहुत ही आराम से देखिएगा रेगुलेशन 7 सब रेगुलेशन 3। ये मैं आपको रेगुलेशन 7 सब रेगुलेशन 1 में ऑलरेडी पढ़ा चुका था, देखो यहां पर, तो मैं अब आपको दोबारा से नहीं बताने वाला हूं कि रजिस्ट्रार टू एन इश्यूअर शेयर ट्रांसफर एजेंट कौन होता है, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। ये इंटरमीडियरीज होते हैं, जब भी कोई कंपनी सिक्योरिटीज का इशू लेकर आती है तो ये लोग उसमें हेल्प करते हैं कंपनी की सिक्योरिटीज का इशू कंप्लीट अच्छे से सॉल्व कराने के लिए हेल्प करते हैं। अब देखिए ये बोल क्या रहा है, रेगुलेशन 7 सब रेगुलेशन 3 बस इतनी सी बात बोल रहा है कि हर लिस्टेड कंपनी को 30 दिन के अंदर जब फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ, जैसे ही फाइनेंशियल ईयर एंड कब होता है, 31 मार्च को, उसके 30 दिन के अंदर मतलब 30 अप्रैल तक हर लिस्टेड कंपनी को क्या करना पड़ेगा, एक कंप्लाइंस सर्टिफिकेट फाइल करना पड़ेगा। कौन फाइल कर रहा है, हर लिस्टेड कंपनी क्या फाइल कर रही है, एक कंप्लाइंस सर्टिफिकेट। कितने दिन में फाइल कर रही है, फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाने के 30 दिन के अंदर। किसको फाइल कर रही है, जिस स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है उस स्टॉक एक्सचेंज को फाइल कर रही है। उसके अंदर क्या लिखा जा रहा है कि जो ये कंडीशन थी रजिस्ट्रार टू एन इश्यूएंट शेयर ट्रांसफर एजेंट वाली, वो हमने फुलफिल करी है। तो मैं दोबारा बोल देता हूं, रेगुलेशन 7 सब रेगुलेशन 3 क्या बोलता है, वो ये बोलता है कि हर लिस्टेड कंपनी अपना हर फाइनेंशियल ईयर एंड होने के 30 दिन के अंदर स्टॉक एक्सचेंज को
एक कंप्लाइंस सर्टिफिकेट फाइल करेगी जिसमें लिखा जाएगा कि हमने रजिस्ट्रार टू एन इशू और शेयर ट्रांसफर एजेंट वाली कंडीशन को फुलफिल कर लिया था, जो मैंने रेगुलेशन 7 सब रेगुलेशन 1 वन टाइम कंप्लाइंस पे पढ़ाया था लास्ट क्लास में, जिसमें मैंने बताया था अगर कंपनी के सिक्योरिटी होल्डर 1 लाख से ज्यादा है तो परमानेंट शेयर ट्रांसफर एजेंट और रजिस्ट्रार टू एन इशू होना चाहिए, 1 लाख तक या उससे कम है तो नहीं होगा। सर ये कंप्लाइंस सर्टिफिकेट साइन कौन करेगा? एक तो कंपनी का कंप्लाइंस ऑफिसर प्लस शेयर ट्रांसफर एजेंट का रिप्रेजेंटेटिव। सर मैं समझ गया, आप ईयरली कंप्लाइंस में मुझे रेगुलेशन 7 सब रेगुलेशन 3 पढ़ा रहे हो। आप ये बोल रहे हो हर लिस्टेड कंपनी को हर फाइनेंशियल ईयर एंड होने के 30 दिन के अंदर एक कंप्लाइंस सर्टिफिकेट एक स्टॉक एक्सचेंज को देना पड़ता है, जिसमें रजिस्ट्रार टू एन इशू और शेयर ट्रांसफर एजेंट के रजिस्ट्रार टू एन इशू या शेयर ट्रांसफर एजेंट के रिप्रेजेंटेटिव प्लस कंप्लाइंस ऑफिसर के साइन होते हैं, और उस सर्टिफिकेट में लिखा जाता है कि रेगुलेशन 7 सब रेगुलेशन 1 की कंडीशन को फुलफिल किया गया। बच्चों मैं दोबारा बोल देता हूँ, ये वाली कंडीशन आपको तभी समझ में आएगी जब आपने मेरी लास्ट वाली क्लास पढ़ी हुई है, उसमें रेगुलेशन 7 सब रेगुलेशन 1 पढ़ा हुआ है तो समझ में आएगा। आगे चलते हैं, एनुअल लिस्टिंग फीस। बड़ी सिंपल सी बात, ध्यान से सुनो, मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब कोई भी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होती है तब उसे फीस देनी पड़ती है, ये तो स्टार्टिंग फीस है, और उसके बाद में फिर कंपनी जब तक लिस्टेड रहती है ना तो हर साल उसको रिन्यूअल फीस देनी पड़ती है, क्योंकि रिन्यू होता है तो रिन्यूअल फीस देनी पड़ती है लिस्ट की। किसको? स्टॉक एक्सचेंज को। कौन देता है? लिस्टेड कंपनी। कितने दिन में देता है? हर फाइनेंशियल ईयर एंड होने के 30 दिन में देता है। ये हम लोगों ने अपना रेगुलेशन 14 पढ़ लिया, ईयरली कंप्लाइंस में 2 पढ़ लिया, रेगुलेशन 7 सब रेगुलेशन 3 और रेगुलेशन 14, यहां तक हम लोग पढ़ चुके। तो देखिए हम लोगों ने ईयरली कंप्लाइंस के अंदर ये पढ़ लिया, रेगुलेशन 7 सब रेगुलेशन 3 और रेगुलेशन 14 यहां तक पढ़ लिया। नेक्स्ट आता है रेगुलेशन 33 सब रेगुलेशन 3, ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, ये मैंने आप लोगों को क्वार्टरली कंप्लाइंस में पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था हर लिस्टेड कंपनी को हर क्वार्टर एंड होने के 45 दिन के अंदर फाइनेंशियल रिजल्ट स्टॉक एक्सचेंज को देने पड़ते हैं, वो क्वार्टरली कंप्लाइंस का पार्ट है। लेकिन मैंने आपको ये बताया था लास्ट वाला क्वार्टर के अंदर 45 दिन नहीं 60 दिन मिलते हैं, उसमें सिर्फ क्वार्टर का फाइनेंशियल रिजल्ट नहीं जाता बल्कि पूरे साल का जाता है, ये हम लास्ट क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और उस वक्त मैंने आपको बताया था कि ये यहां पर हम ऑलरेडी डिस्कस बोलेंगे। क्लियर है? अब चलते हैं आगे, रेगुलेशन 34। बड़ी सिंपल सी बात है, और मैं आपको एक चीज और बताऊं स्टूडेंट्स, ये जो आगे के 3 पॉइंट है ना, ये तीनों पॉइंट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, रिलेटेड हैं, तो मैं आराम से आपको समझा देता हूं, बड़े आराम से आप समझ लीजिएगा। देखिए सपोज करें कोई भी एक कंपनी है, एग्जाम्पल के तौर पर रिलायंस कंपनी, मान के चलिए, और मान के क्या है भी, रिलायंस लिस्टेड कंपनी है, बड़ी कंपनी है, यहां तक क्लियर हो गया? अब देखिए अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आपसे, बड़े ध्यान से देखिएगा, रिलायंस कंपनी एनुअल जनरल मीटिंग करने वाली है। आपको पता होना चाहिए कि हर कंपनी एनुअल जनरल मीटिंग में उस साल की जो एनुअल रिपोर्ट होती है ना, एनुअल रिपोर्ट, उसको डिस्कस करती है। अब बड़े ध्यान से सुनिए, मैंने आपको बोला एनुअल रिपोर्ट को डिस्कस किया जाता है, कौन डिस्कस करता है? कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और मेंबर्स, जो लोग जनरल मीटिंग में आए हैं वो लोग डिस्कस करते हैं, और उन तक मेंबर्स को एनुअल रिपोर्ट की कॉपी कंपनी पहले ही भेज देती है। तो आराम से सुनिए, एनुअल रिपोर्ट एक बुक होती है जिसको हर कंपनी बनाती है, उसमें एनुअल की रिपोर्ट आती है, कंपनी ने पूरे साल जो कुछ किया उस सब कुछ की रिपोर्ट एनुअल रिपोर्ट में आती है, बहुत बड़ी बुक होती है। उस बुक को एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर सबके साथ में बैठ के डिस्कस करते हैं, जिससे किसी के मन में ये ना रह जाए कि हमने एनुअल रिपोर्ट में कुछ गलत लिख दिया है, क्योंकि बाद में ये मार्केट में जाएगी, पब्लिश होगी, लोग देख के इस पे इन्फ्लुएंस होके इन्वेस्ट करेंगे कंपनी में, इसलिए एनुअल रिपोर्ट जो है वो डिस्कस होती है एनुअल जनरल मीटिंग में। अब कंपनी के जो शेयर होल्डर मेंबर हैं, जो दूर दराज अपने घरों में बैठे, उन तक एनुअल रिपोर्ट कैसे पहुंचती है, जिससे वो मीटिंग में आकर उसे डिस्कस करें? भाई पहले ऐसा होता होगा ना कि कंपनी पहले उन्हें एनुअल रिपोर्ट की कॉपी भेज देती है,
फिर वो लोग घर पे बैठ के उसे पढ़ लेते, वहां पर टिक कर लेते मुझे कंपनी की मीटिंग में क्या क्या डिस्कस करना है एजीएम में, फिर आकर डिस्कस करते। तो जो एनुअल रिपोर्ट होती है ना, उसको मेंबर्स और शेयर होल्डर्स को मीटिंग से पहले ही सेंड कर दिया जाता है। जब एनुअल जनरल मीटिंग का नोटिस भेजा जाता है ना, उसी के साथ में एनुअल रिपोर्ट भी भेज दी जाती है। ये मैं अभी तक नॉर्मल बात समझा रहा हूं मैं आपको, अभी तक नॉर्मल बात कि हर कंपनी जो है उसको अपनी एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर एनुअल रिपोर्ट डिस्कस करनी पड़ती है, और एनुअल रिपोर्ट डिस्कस करने के लिए मेंबर्स के साथ में करी जाती है, और उसके लिए उनको एनुअल रिपोर्ट की कॉपी पहले ही सबमिट करी जाती है और दे दी जाती है, भेज दी जाती है मेंबर्स के पास। और उसको कब भेजा जाता है? जब एनुअल जनरल मीटिंग का नोटिस भेजा जाता है उसके साथ में। क्वेश्चन ये आता है, बोला सर यहां तक की बात ठीक है, हमें ये बताओ कि जो नोटिस है मीटिंग का वो मेंबर्स को कब दिया जाता है? मीटिंग के कम से कम 21 दिन पहले। सेक्शन 101 पढ़ाया था मैंने आप लोगों को, सीएमए इंटर में भी पढ़ा था, फाइनल में भी मैंने बताया था आपको कि एनुअल जनरल मीटिंग के कम 21 दिन पहले उसका नोटिस कंपनी के शेयर होल्डर मेंबर को दे दिया जाता है कि फलानी तारीख को हमारी मीटिंग है, आप आकर मीटिंग अटेंड करें। और मैंने आपको बोला जिस दिन नोटिस जाता है तभी एनुअल रिपोर्ट साथ में अटैच कर दी जाती है। तो ये हो गई आपकी ये वाली रेगुलेशन, हर लिस्टेड कंपनी को एनुअल रिपोर्ट अपने शेयर होल्डर्स को, सिक्योरिटी होल्डर को देनी पड़ती है, कम से कम 21 दिन पहले देनी पड़ती है, नोटिस के साथ में जाती है। स्टूडेंट बोलता है सर चलिए ये वाली बात मुझे यहां तक आपकी समझ में आ गई, तो ये वाली रेगुलेशन तो हमने पढ़ ली। ओके, अब इसके बाद में मैं एक चीज और बता दूं आपको, ये जो एनुअल रिपोर्ट मैंने आपको बोला मीटिंग के नोटिस के साथ में मेंबर्स को दे दी जाती है कितने दिन पहले? 21 दिन पहले। क्लियर है ये चीज? और उसी दिन सिर्फ ये मेंबर्स को ही नहीं दी जाती, जिस दिन ये एनुअल जनरल मीटिंग का नोटिस और एनुअल रिपोर्ट मेंबर्स को दिया जा रहा है, सेम डे स्टॉक एक्सचेंज को भी दिया जाता है। तो ये वाली रेगुलेशन भी पढ़ ली। तो मैं दोबारा बोल देता हूं, हर लिस्टेड कंपनी को अपनी एनुअल रिपोर्ट अपने सिक्योरिटी होल्डर्स को देनी पड़ती है। जिस मीटिंग में डिस्कस होगी एनुअल रिपोर्ट, एनुअल जनरल मीटिंग में डिस्कस होगी, उस मीटिंग के कम 21 दिन पहले देनी पड़ती है। रेगुलेशन 34 का एक पढ़ लिया मैं। दूसरा मैं बोल रहा हूं, उसी दिन ये स्टॉक एक्सचेंज जिस पर कंपनी लिस्टेड है उसको भी देनी पड़ती है। तो ये दोनों रेगुलेशन हम लोग यहां तक पढ़ चुके हैं। उसके बाद में अब आप खुद सोचिए, एक बार के लिए प्रैक्टिकली सोचिए मोहित बंसल क्लासेस लिस्टेड कंपनी है, अपनी खुद की कंपनी आपकी और हमारी कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है, हमने 21 दिन पहले नोटिस प्लस एनुअल रिपोर्ट किसको दे दी? एक तो मेंबर्स को दे दी और स्टॉक एक्सचेंज को भी दे दी जहां पर हम लिस्टेड हैं। अब एनुअल जनरल मीटिंग हो रही है जिसमें हम एनुअल रिपोर्ट को डिस्कस कर रहे हैं, और हमें पता लगा कि एनुअल रिपोर्ट जो हमने अभी तक दी है जिस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं उसमें कुछ छोटी मोटी गलतियां हैं, हमें उसके अंदर चेंजेस कर लेने चाहिए। तो हमने बोला कि ठीक है हम एनुअल रिपोर्ट में चेंज कर रहे हैं। तो सोचिए हमने, चलो मेंबर्स को तो पता चल गया कि एनुअल रिपोर्ट में चेंज हो रहा है क्योंकि वो तो मीटिंग में आए हुए हैं, स्टॉक एक्सचेंज के बेचारे के पास में तो पुरानी वाली एनुअल रिपोर्ट है और हमने मीटिंग के अंदर इसमें चेंज कर दिया। तो एक काम करो, 48 घंटे जब से हमने मीटिंग के अंदर एनुअल रिपोर्ट में चेंज किया है उसके 48 घंटे के अंदर स्टॉक एक्सचेंज को रिवाइज्ड कॉपी भेज दो कि हमने ये चेंज कर लिया। तो मैं दोबारा से पूरा समझा देता हूं इन तीनों रेगुलेशंस को। हर लिस्टेड कंपनी को अपनी एनुअल रिपोर्ट की कॉपी कम से कम 21 दिन पहले अपने सिक्योरिटी होल्डर को देनी पड़ती है, उसी दिन स्टॉक एक्सचेंज को भी देनी पड़ती है, फिर एजीएम के अंदर सब डिस्कशन करते हैं, अगर डिस्कशन में उसमें कुछ चेंज कर दिया जाता है तो 48 घंटे के अंदर स्टॉक एक्सचेंज को नई कॉपी देनी पड़ती है। स्टूडेंट बोलता है सर आपने मुझे ईयरली कंप्लाइंस में अब तक सब समझा दिया, रेगुलेशन 7 सब रेगुलेशन 3 के अंदर आपने मुझे बता दिया
हर फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 30 दिन के अंदर एक कंप्लाइंस सर्टिफिकेट जाता है जिसमें लिखा होता है रजिस्ट्रार टू एन इश्यूअर शेयर ट्रांसफर एजेंट वाली कंडीशन, रेगुलेशन 7 सब रेगुलेशन 1 वाली कंडीशन हमने फुलफिल कर दी, एंड वो जो कंप्लाइंस सर्टिफिकेट है उस पर सिग्नेचर किसका होता है, शेयर ट्रांसफर एजेंट के रिप्रेजेंटेटिव प्लस कंप्लाइंस ऑफिसर। देन रेगुलेशन 14 के अंदर आपने मुझे बता दिया कि फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 30 दिन के अंदर जो रेन्यूअल फीस है वो पेमेंट की जाती है। देन रेगुलेशन 33 सब रेगुलेशन 3 हमने पहले ही पढ़ लिया था। देन रेगुलेशन 34 ये पूरा आपने मुझे अब तक समझा दिया। अब इसके बाद में स्टूडेंट्स हम चलते हैं इवेंट बेस्ड कंप्लाइंस पे। मैंने बोला अभी तक हमने पढ़ा वन टाइम कंप्लाइंस, क्वार्टरली कंप्लाइंस, हाफ ईयरली कंप्लाइंस, ईयरली कंप्लाइंस, अब हम पढ़ रहे हैं इवेंट बेस्ड। मतलब इनका कोई फिक्स टाइम नहीं होता कि इनको हर क्वार्टर में देना पड़ेगा, हर मंथली बताना, ना ना, ये बोल रहे हैं कि कुछ सिचुएशन है, अगर कंपनी उन सिचुएशन में फॉल हो गई तो डिस्क्लोजर देना है, अगर कंपनी ताउम्र अपने लाइफ टाइम उन सिचुएशन में फॉल नहीं होती है तो कभी भी उनको डिस्क्लोजर नहीं देना है। स्टूडेंट बोलता है ठीक है सर समझा। तो अब इवेंट बेस्ड कंप्लाइंस को बहुत आराम से समझिएगा बच्चों, बड़े ही आराम से समझिए, बड़े आराम से। अब देखो मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं आपको। जैसे सपोज करिए कि मोहित बंसल क्लासेस, हमको ना स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होना था, अभी तक हम लिस्ट नहीं थे, हमें लिस्ट होना था, तो हमने स्टॉक एक्सचेंज की अप्रूवल ली और हम लिस्ट हो गए, लिस्टेड ऑन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हम हो गए लिस्ट। तो अभी तक हम सिर्फ लिस्ट हुए, मतलब हमारा नाम अभी स्टॉक एक्सचेंज पे आया है, बस ये हो गया कि ये कंपनी स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू फ्यूचर में जब चाहे सिक्योरिटीज इशू कर सकती है, अभी हम सिर्फ लिस्ट हुए। अब मैं इशू लेकर, अब कंपनी इशू लेकर आ रही है, सपोज कीजिए इक्विटी शेयर्स का इशू लेकर आ रही है, इक्विटी शेयर्स का, किसका इशू ला रही है, इक्विटी शेयर्स का। ये पहला इशू है, फर्स्ट इशू है, फर्स्ट इशू, ये कौन सा इशू है, फर्स्ट इशू है। हम मोहित बंसल क्लासेस स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर पहला इशू ला रही है, लाइफ का पहला इशू स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, पहले भले ही कितने भी लाई होगी स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर पहला इशू। तो जब ये लेकर आएगी ना तो इसे क्या करना पड़ेगा, इसे अप्रूवल लेनी पड़ेगी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से कि क्या मैं अपने इक्विटी शेयर इशू कर दूं। हालांकि लिस्ट तो हम ऑलरेडी हो चुके थे, लेकिन जब जब आप इशू लेकर आओगे, चाहे से एक बार लिस्ट हो गए तब तो अप्रूवल ली, उसके बाद जब जब इशू लाओगे हर बार स्टॉक एक्सचेंज से अप्रूवल लेनी पड़ेगी, हर बार इशू लाने से पहले अप्रूवल लेनी पड़ेगी, कंपलसरी होती है। अब बड़े ध्यान से देखो, मैं पहला इशू लेकर आ रहा हूं स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, तो मुझे अप्रूवल में दो उत्तर, एक तो मोहित बंसल क्लासेस खुद के बारे में बताएगी सेल्फ डिटेल कि साहब हम ऐसी कंपनी है, हमारी हिस्ट्री ये है, हमारी कैपिटल इतनी है, हमारे लोग इतने हैं, अपने बारे में, प्लस उस इशू की डिटेल जो इशू लेकर आ रही है, क्योंकि कंपनी पहली बार स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर वो इशू ला रही है। अब लेकर आ गई, उसके बाद में फिर कंपनी अपनी लाइफ में बहुत सारे इशू और भी लेकर आ रही है स्टॉक एक्सचेंज पे, तो अब जब फ्यूचर में इशू लेकर आएगी ना कंपनी, तो उसको सिर्फ उस इशू की डिटेल्स देनी है, बार बार खुद की डिटेल्स नहीं देनी, कंपनी की डिटेल्स नहीं देनी, क्योंकि वो एक बार दे चुकी है। कंपनी जब स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर पहली बार अपना इशू लेकर आती है तब वो अपनी भी डिटेल देती है और जो इशू लेकर आ रही है उसकी भी डिटेल देती है, लेकिन ये पहले इशू में होता है। उसके बाद में कंपनी फिर कितनी भी बार इशू लेकर आ रही है अपने बारे में डिटेल नहीं देनी पड़ती, सिर्फ उस इशू से रिलेटेड डिटेल देनी पड़ती है और सिर्फ उसी की अप्रूवल लेनी पड़ती है। ये जो अप्रूवल होती है ना, इसको बोला जाता है इन प्रिंसिपल अप्रूवल। क्या बोला जाता है, इन प्रिंसिपल। मैं दोबारा समझाता हूं बच्चों, और बड़े ध्यान से और कहानी की तरह सुनिए इसको, बड़े आराम से सुनिए आप। मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर कोई भी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होती है, कोई भी कंपनी अगर स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होती है तो एक बार उसे अप्रूवल लेनी पड़ती है, मैटर खत्म। फिर वो कंपनी जब उस स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर पहला इशू लेकर आती है
तब उसे अपनी भी डिटेल देनी पड़ती है खुद की प्लस उस इशू की। लेकिन ऐसा सिर्फ पहले इशू में होता है, उसके बाद में कंपनी कितने भी इशू लेकर आए, कितने भी, उसको सिर्फ उस इशू की डिटेल देनी पड़ती है जिन सिक्योरिटीज का वो इशू ला रही है, अपनी नहीं देनी पड़ती। अपनी तो उसने पहली बार में दे दी थी और अप्रूवल भी ले ली थी, अब तो उसे सिर्फ उस इशू की डिटेल देनी है और अप्रूवल लेनी है। इन वाली अप्रूवल को इन प्रिंसिपल अप्रूवल बोला जाता है। और कंपनी कितनी भी बार इशू लेकर आएगी, चाहे से कंपनी अपनी लाइफ में हजार बार इशू लेकर आएगी, हजारों बार उसे इशू लाने से पहले अप्रूवल लेनी पड़ेगी। इस तरह की अप्रूवल को इन प्रिंसिपल अप्रूवल बोलते हैं, इवेंट बेस्ड। जब इशू लाओ तब अप्रूवल ले लो, जब इशू लाओ तब अप्रूवल ले। स्टूडेंट बोलता है सर समझ गया, आगे चल। आगे चलते हैं, बड़े ध्यान से समझिए। हम लोगों ने एक चीज देखी थी, बड़े ध्यान से देखिए। हम लोगों ने पढ़ा, बोला था कि जो लिस्टेड कंपनी होती है ना, वो अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स को पब्लिश करती है। मैंने आपको बताया था क्वार्टरली भी करती है, ईयरली भी करती है। तो प्रोसेस होता कैसे होगा एक्चुअल? वो कंपनी पहले फाइनेंशियल रिजल्ट्स को प्रिपेयर करती होगी, बना लेती होगी, और उसके बाद में उन फाइनेंशियल रिजल्ट्स को ना डिस्कस किया जाता होगा कि हमने जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स बनाए हैं वो सही है कि गलत है। डिस्कस होते हैं वो बोर्ड मीटिंग, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उनको चेक करते हैं कि ये सही है, सही है, सही है, सही है। समझ रहे हो? बहुत ध्यान से समझिएगा। मैंने आपको बोला कि कंपनी अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स जो उसने प्रिपेयर किए हैं उनको बोर्ड मीटिंग में डिस्कस करती है। अब सोचिए ये बोर्ड मीटिंग कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, ये बोर्ड मीटिंग कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। सर क्यों है इंपॉर्टेंट? अबे इस बोर्ड मीटिंग में डिस्कस हो रहा है कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स क्या हैं, कंपनी प्रॉफिट में गई कि लॉस में गई, और ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, कंपनी इसे फ्यूचर में खुद पब्लिश करती है। लेकिन अभी तो जब तक बोर्ड मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिस्कस कर रहे हैं तब तक तो ये बहुत ही प्राइवेट इंफॉर्मेशन है। अगर लीक हो गई ना तो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर कंपनी के शेयर प्राइस ऊपर नीचे हो जाएगी। अब बड़े ध्यान से सुनिएगा, जब भी लिस्टेड कंपनी ऐसी बोर्ड मीटिंग कर रही है जिस बोर्ड मीटिंग के अंदर वो अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स को डिस्कस करेगी, उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिस्कस करेंगे कि हमारे फाइनेंशियल रिजल्ट्स सही हैं कि नहीं हैं, उस वाली बोर्ड मीटिंग का नोटिस स्टॉक एक्सचेंज को दिया जाता है। उस लिस्टेड कंपनी की यह रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने स्टॉक एक्सचेंज को पहले से बताए कि हम फलानी तारीख को बोर्ड मीटिंग करेंगे और उसके अंदर फाइनेंशियल रिजल्ट डिस्कस करेंगे। कितने दिन पहले बताएगी वो लिस्टेड कंपनी स्टॉक एक्सचेंज को? जिस दिन वो बोर्ड मीटिंग होने वाली है उसके कम से कम 5 दिन पहले बताया जाएगा। स्टूडेंट बोलता है मैं समझ गया सर, अब मैं बड़े प्यार से समझ गया कि लिस्टेड कंपनी बोर्ड मीटिंग करती है, उसमें अपने फाइनेंशियल रिजल्ट डिस्कस करती है, वो बोर्ड मीटिंग बहुत जरूरी है, उस बोर्ड मीटिंग का नोटिस स्टॉक एक्सचेंज को पहले से देना पड़ता है। स्टॉक एक्सचेंज को हम बताते हैं फलाने दिन बोर्ड मीटिंग होगी जिसमें फाइनेंशियल रिजल्ट डिस्कस होंगे कम से कम 5 दिन पहले। ओके, दो बातें समझ गया। रेगुलेशन 28 सब रेगुलेशन 1, आपने बोला जब कंपनी एक बार इशू हो जाती है उसके बाद में फिर जब भी इशू लेकर आती है तो सिर्फ इशू से रिलेटेड अप्रूवल लेती है जिसे इन प्रिंसिपल अप्रूवल बोलते हैं। फिर आपने बोला कि अगर कोई भी लिस्टेड कंपनी ऐसी बोर्ड मीटिंग कर रही है जिसमें फाइनेंशियल रिजल्ट डिस्कस होंगे तो कम से कम 5 दिन पहले उसका नोटिस स्टॉक एक्सचेंज को देना पड़ता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट अब ये आ जाता है दोबारा से अब मैं क्या बोल रहा हूं आप देखिएगा। अब मैं बोल रहा हूं लिस्टेड कंपनी एक बोर्ड मीटिंग कर रही है क्योंकि उस बोर्ड मीटिंग के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिस्कस करेंगे किस चीज के बारे में, किसी
अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के बारे में, इंफॉर्मेशन के बारे में मतलब ऐसी इंफॉर्मेशन जो कंपनी ने पब्लिश नहीं करी, लेकिन अगर मार्केट में लीक हो जाए तो लोग इतना खरीदेंगे और बेचेंगे कंपनी के शेयर्स को कि कंपनी के शेयर ऊपर नीचे होते रहेंगे। सर ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन होती है? ऐसी बहुत होती है, बाईबैक होती है, डिविडेंड देना होता है, कंपनी का कोई मेन डायरेक्टर छोड़ के जा रहा है वो होता है, कंपनी की कोई ब्रांच बंद हो रही है राइट इशू आ रहा है, बोनस इशू आ रहा है, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट आ रहा है, ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। कोई भी लिस्टेड कंपनी अगर ऐसी बोर्ड मीटिंग कर रही है जिसके अंदर वो ऐसी अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को डिस्कस करेगी तो उस बोर्ड मीटिंग का नोटिस स्टॉक एक्सचेंज को दिया जाएगा। यहां पर हमने ये बात पढ़ी थी, लेकिन उसमें हमने काम फिक्स कर दिए थे कि उस बोर्ड मीटिंग में फाइनेंशियल रिजल्ट को डिस्कस किया जा रहा है, उसका नोटिस 5 दिन पहले दिया जाता है। हम उसके अलावा बोल रहे हैं कोई और इंफॉर्मेशन है, बाईबैक है, डीलिस्टिंग है, राइट इशू है, फर्दर कोई भी अगर है तो उस बोर्ड मीटिंग का नोटिस कम से कम 2 दिन पहले स्टॉक एक्सचेंज को देते। तो स्टूडेंट बोलता है सर मेरे जो समझ में आया वो मैं आपको बता देता हूं, लिस्टेड कंपनी बोर्ड मीटिंग कर रही है तो स्टॉक एक्सचेंज को नोटिस देगी, अगर उस बोर्ड मीटिंग में फाइनेंशियल रिजल्ट डिस्कस होंगे तो 5 दिन पहले, अदर इंफॉर्मेशन है तो 2 दिन पहले। सिंपल है, हाँ यही है, समझ में आ गया। आगे चलते हैं, रेगुलेशन 31 सब रेगुलेशन 1 सब रेगुलेशन सब क्लॉज सी, हालांकि ये मैंने आपको क्वार्टरली में भी पढ़ाया था, रेगुलेशन 31 सब रेगुलेशन 1, उसमें मैंने आपको बताया था हर क्वार्टर एंड होने के 21 दिन के अंदर शेयर होल्डिंग पैटर्न बताना पड़ता है। अब मैं कुछ और बता, ध्यान से सुन लो, ध्यान से। एक कंपनी है और ये लिस्टेड है और इस कंपनी का अभी एक स्ट्रक्चर है पहले से, इसमें कुछ लोग शेयर्स होल्ड करते हैं, कुछ डिबेंचर होल्ड करते हैं। अब हुआ क्या कि एक नई कंपनी का मतलब ये नहीं है वो कंपनी नई बनी है, मतलब अनदर कंपनी बोल दो आप, अनदर कंपनी, उसने इस कंपनी को अपने अंदर मर्ज कर लिया या डीमर्ज कर दिया या टेक ओवर कर लिया या कहने का मतलब यह है कि इस कंपनी, सिंपल सी बात इसको मैं और सिंपल भाषा में समझाऊं आपको, ध्यान से सुनिए। अगर कोई लिस्टेड कंपनी है, अगर उस लिस्टेड कंपनी के अंदर जो ऑलरेडी शेयर होल्डिंग पैटर्न है, जो ऑलरेडी शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें चेंज आ जाता है, चाहे से किसी ने शेयर खरीदे चाहे से किसी ने शेयर बेची, सर कितना चेंज आ जाता है? More than 2%। कंपनी की जितनी अभी शेयर कैपिटल है उसके 2% से ज्यादा किसी ने शेयर खरीदे या शेयर बेचे, मतलब कंपनी के स्ट्रक्चर में चेंज हुआ, तो ये बात कंपनी को 10 दिनों के अंदर स्टॉक एक्सचेंज को बतानी पड़ती है। एग्जाम्पल के तौर पर दो कंपनियां ले लो, एक ले लो रिलायंस, एक ले लो एयरटेल, इसकी शेयर कैपिटल है 10 करोड़, या फिर 10 ले लो, सिंपली 10 ले लो चल, और इसकी जो है वो भी है 10, ठीक है 10 रुपए। इसके किसी ने शेयर्स खरीदे या बेचे कितने? 2% कैपिटल का, 2%, और इसके शेयर्स खरीदे या बेचे कितने? 2.5%। इस कंपनी को 10 दिन के अंदर स्टॉक एक्सचेंज को नहीं बताना कि इसके स्ट्रक्चर में चेंज हुआ, क्योंकि तब बताना पड़ता है जब मोर देन 2% होता है, इसको बताना पड़ेगा, रिलायंस को नहीं बताना। स्टूडेंट बोलता है समझ गया,
सर आप इतनी सी बात बोल रहे हो, कंपनी का जो अभी स्ट्रक्चर है अगर उसमें चेंज हो जाता है, मतलब किसी ने शेयर खरीद लिए या बेच लिए, कितना शेयर कैपिटल के 2% से ज्यादा, तो यह बात स्टॉक एक्सचेंज को 10 दिन में बताई जाएगी। समझ में आ गया सर, बड़ा इजी है। आगे चलो, आगे चलते हैं। रेगुलेशन 39 सब रेगुलेशन 2 इशू ऑफ सर्टिफिकेट, और ये बड़ी सिंपल सी बात बोला, बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्या होता है आपको ये पता होगा, जब भी कोई कंपनी का शेयर परचेज करता है तो उसको शेयर सर्टिफिकेट मिलता है और तभी उसको शेयर होल्डर बोला जाता है। मतलब सर हमें ये तो पता है, ओके। अब ये भी पता होगा कि कुछ जॉइंट शेयर होल्डर भी होते हैं, जैसे मैंने और आपने मिलकर शेयर खरीद लिया तो शेयर सर्टिफिकेट एक होगा लेकिन नाम दोनों का लिखा जाए। हमें, मुझ में और आप में फ्यूचर में लड़ाई हो गई तो मैंने बोला ये शेयर 10 रुपए का शेयर था, 5 रुपया मैंने पे किया, 5 रुपया आपने पे किया, शेयर सर्टिफिकेट एक है, नाम दोनों का है, लेकिन मेरे और आपके बीच में लड़ाई हो गई। मैं चाहता हूं अलग अलग हो जाए शेयर सर्टिफिकेट, तो हम कंपनी के पास जाकर बोलेंगे कि एक शेयर को आप 2 में स्प्लिट कर दो, इसमें 2 शेयर सर्टिफिकेट बना दो, आप उसमें लिख दो कि 5 रुपए का मेरे पास है, 5 रुपए का फलाने के पास। बहुत बार ऐसा होता है कि अलग अलग को हम एक बनाने आ जाते हैं, एक को हम अलग अलग बजाने आ जाते हैं, या फिर कभी कभी हमसे ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट खो जाता है तो हम कंपनी से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें नया शेयर सर्टिफिकेट इशू कर दो, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू कर दो। अगर ऐसा कुछ भी कंपनी कर रही है, वो रिन्यूअल कर रही है, डिवाइड कर रही है, स्प्लिट कर रही है, या कंसोलिडेट कर रही है, मिला रही है, या डुप्लीकेट इशू कर रही है, ऐसा अगर कुछ भी कर रही है, तो जिस दिन उस लिस्टेड कंपनी के पास में वो रिक्वेस्ट आई कि हमारा ऐसा कर दो, हमें नया सर्टिफिकेट दे दो, हमें स्प्लिट कर दो, हमारा कंसोलिडेट कर दो, उसके 30 दिन के अंदर ये बात स्टॉक एक्सचेंज को बताई जाती है। तो स्टूडेंट बोलता है, मतलब सर आप ये बोल रहे हो अगर लिस्टेड कंपनी के पास में ऐसी कोई भी रिक्वेस्ट आती है कि शेयर सर्टिफिकेट डुप्लीकेट इशू कर दो, या पहले वाले को स्प्लिट कर दो, या उसको कंसोलिडेट कर दो, जोड़ दो, ऐसा कुछ भी आता है, तो जिस दिन वो रिक्वेस्ट आई उसके 30 दिन के अंदर अंदर लिस्टेड कंपनी स्टॉक एक्सचेंज को बता दे मेरे पास में ऐसी रिक्वेस्ट आई। समझ गए सर? समझ गए सर, एक बात बताओ, ये तो मैं समझ गया, लेकिन फिर उस केस में आपने बोला कि जिस दिन रिक्वेस्ट आई उसके 30 दिन के अंदर इंटीमेट कर दिया, फिर कंपनी ने डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू भी तो किया होगा ना लॉस वाले केस में। ये वाली रेगुलेशन 39 सब रेगुलेशन 3 रिन्यूअल स्प्लिट कंसोलिडेट लॉस सबके केस में था। अब सब रेगुलेशन 3 में मैं सिर्फ लॉस ऑफ सिक्योरिटी की बात कर रहा हूं कि अगर किस कोई पर्सन, कोई शेयर होल्डर, कोई सिक्योरिटी होल्डर अपना सर्टिफिकेट खो देता है तो वो कंपनी से बोलेगा कि मुझे डुप्लीकेट इशू करो, कंपनी 30 दिन में स्टॉक एक्सचेंज को बता देगी, लेकिन कंपनी फिर इशू भी तो करेगी ना डुप्लीकेट, जिस दिन इशू हुआ उसके 2 दिन के अंदर स्टॉक एक्सचेंज को बता देगी। तो बेसिकली सुनो, समझो क्या हुआ। सपोज करो एक मिस्टर ए है, उससे शेयर सर्टिफिकेट खो गया, लॉस्ट, तो उसने कंपनी को एप्लीकेशन दी किस दिन, 1 अगस्त को, तो वो कंपनी 30 दिन के अंदर स्टॉक एक्सचेंज को इंटीमेट करेगी, कर दिया। फिर कंपनी ने 15 सितंबर को डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू कर दिया तो उसके 2 दिन के अंदर स्टॉक एक्सचेंज को दोबारा बता देगी कि मैंने इशू कर दिया है। पहले बताएगी कि मेरे पास में कंप्लेंट आई है, लेकिन और वो कब, जिस दिन आई कंप्लेंट उसके 30 दिन के अंदर, और जिस दिन इशू कर देगी डुप्लीकेट उसके 2 दिन के अंदर बता देगी कि मैंने इशू कर दिया है। स्टूडेंट बोलता है समझ गया सर मैं, आगे चलते। बड़े ध्यान से सुनिए, सपोज कीजिए मैं सलमान खान एक कंपनी का शेयर होल्डर है और उसने अपने शेयर बेच दिए, मतलब ट्रांसफर कर दिए शाहरुख खान को, तो अब शेयर होल्डर कौन बन गया, शाहरुख खान। लेकिन कंपनी को तो यह बात पता नहीं लगी, कौन सी कंपनी, रिलायंस को नहीं पता लगा। रिलायंस सोचती है आज भी सलमान खान ही शेयर होल्डर है, जबकि एक्चुअल में है कौन, शाहरुख खान।
तो ये बात रिलायंस को बताई जाएगी और रिलायंस अपने रजिस्टर के अंदर लिख लेगी कि सलमान खान नहीं है मेंबर, अब शाहरुख खान मेंबर बन गया, शेयर होल्डर बन गया। वो कब होगा? जब कंपनी रिलायंस कंपनी के पास में एप्लीकेशन आएगी कि साहब ये ट्रांसफर ही है, जिसने बेचा वो ट्रांसफरर, जिसको बेचा गया वो ट्रांसफरी, शाहरुख खान ट्रांसफरी है, इसके नाम पे रजिस्टर कर लो। तो क्वेश्चन ये आता है कि जिस दिन कंपनी के पास में ऐसी रिक्वेस्ट आएगी कि साहब ये ट्रांसफरी है, इसके नाम पे शेयर रजिस्टर कर दो, उसके 15 दिन के अंदर वो लिस्टेड कंपनी स्टॉक एक्सचेंज को बता देगी। एग्जाम्पल के तौर पर समझो, सलमान खान ने बेच दिए अपने शेयर्स शाहरुख खान को 25 जुलाई को, शाहरुख ने रिलायंस को एप्लीकेशन दी कि मेरे नाम पे रजिस्टर कर दो, किस दिन? 1 अगस्त को। तो 15 दिन के अंदर मतलब 15 अगस्त तक वो लिस्टेड कंपनी स्टॉक एक्सचेंज को बता देगी कि मेरे पास में ऐसी एप्लीकेशन आई। ये तो बात थी ट्रांसफर के केस में। अब मैं बात करूंगा ट्रांसमिशन के केस में। बोले सर ट्रांसफर और ट्रांसमिशन में क्या होता है? ट्रांसफर में तो एक पर्सन अपनी मर्जी से अपना शेयर किसी को बेचता है, जो बेच रहा है वो जिंदा है। ट्रांसमिशन का मतलब होता है जो ओरिजिनल शेयर होल्डर है उसकी डेथ हो गई या वो इंसॉल्वेंट पागल हो गया, सॉरी इंसॉल्वेंट दिवालिया हो गया, अनसाउंड माइंड पागल हो गया। ट्रांसफर में तो बंदा अपनी मर्जी से बेच रहा था जो हमने अभी पढ़ा, ट्रांसमिशन में वो अपनी मर्जी से नहीं बेच रहा होता है, क्योंकि या तो वो मर चुका है या वो पागल हो चुका है। और लॉ बोलता है कि अगर ऐसा हो जाता है तो वो शेयर बाय डिफॉल्ट उसके नॉमिनी उत्तराधिकारी के पास में आ जाएगा। ट्रांसमिशन उत्तराधिकारी वाला केस है। उस केस में कंपनी लिस्टेड कंपनी स्टॉक एक्सचेंज को बताएगी कि मेरा फलाना शेयर होल्डर डेथ हो गई या वो पागल हो गया और अब मैं नॉमिनी के नाम पे शेयर को रजिस्टर कर रहा हूं। अगर शेयर डीमेटलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है तो 7 दिन के अंदर, अगर फिजिकल फॉर्म में है तो 21 दिन के अंदर। स्टूडेंट बोलता है समझ गया सर, मैं अब तक टोटल बात आपकी ये समझा। अगर ट्रांसफर का केस है तो लिस्टेड कंपनी स्टॉक एक्सचेंज को इंटीमेट करेगी कि मैं ट्रांसफर आया है मेरे पास में, शाहरुख खान रजिस्टर कराना चाहता है, मैं करने वाला हूं 15 दिन के अंदर। ट्रांसमिशन का केस है तो अगर डीमेटलाइज्ड फॉर्म में शेयर्स तो 7 दिन के अंदर, फिजिकल में है तो 21 दिन के अंदर। ओके, अब हम चलते हैं इसके बाद में नेक्स्ट रेगुलेशन, रेगुलेशन 42 सब रेगुलेशन। और ये है आपकी, एक मिनट रुकें स्टूडेंट्स। हाँ, अब हम पढ़ रहे हैं रेगुलेशन 42 सब रेगुलेशन 2, मोस्ट इंपॉर्टेंट रेगुलेशन पढ़ रहे हैं। थोड़ी लेंथी है, कंसेप्ट बहुत इजी है, लेकिन उसके लिए मेरी बात आपको ध्यान से सुननी, बड़े ध्यान से सुन। मेंबर कौन होता है कंपनी का? सर मेंबर वो होता है जिसका नाम कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर में एज मेंबर लिखा हुआ होता है। ये हमने लॉ में पढ़ा है कि कंपनी जो होती है ना, कंपनी के अंदर एक रजिस्टर बनता है और कंपनी उस रजिस्टर में उन उन लोगों का नाम लिखती है जो उसके मेंबर हैं, शेयर होल्डर है, और जिसका नाम उस रजिस्टर में आता है वो ही मेंबर होता है, उनके अलावा कोई और मेंबर नहीं होता है, चाहे कुछ हो जाए। ठीक है सर, बहुत बार, लेकिन सर लोग शेयर को बेचते रहते हैं, तो आज मेरा नाम लिखा हुआ है कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर के अंदर, मेंबर की पोजीशन पे मेरा नाम लिखा है, मैंने शेयर बेच दिया सलमान खान को तो सलमान खान का आ जाएगा, उसने बेच दिया शाहरुख खान को शाहरुख खान का आ जाएगा, उसने बेच दिया अक्षय कुमार को अक्षय, बदलते रहते हैं नाम, बदलते रहते हैं। अब कंपनी के अंदर ना कुछ ऐसे काम आ जाते हैं, कंपनी के अंदर कुछ ऐसे काम आ जाते हैं जो काम कंपनी, उन कामों के अंदर कंपनी को कुछ बेनिफिट देना होता है। जैसे कंपनी डिविडेंड इशू कर रही है तो डिविडेंड किसको देगी? अपने शेयर होल्डर्स को देगी, बेनिफिट दे रही है। कंपनी बोनस दे रही है, बेनिफिट दे रही है।
कंपनी बाईबैक के अंदर अपने शेयर वापस परचेज करेगी, तो पैसा पेमेंट करेगी, बेनिफिट दे रही। तो मैं ये बोल रहा हूं कि बहुत बार ऐसा होता है कंपनी के अंदर, कंपनी को कुछ काम होते हैं जो, और कंपनी को वो काम अपने रजिस्टर्ड इक्विटी शेयर होल्डर से होते हैं। अब रजिस्टर्ड इक्विटी शेयर होल्डर कौन है? जिसका नाम उस रजिस्टर ऑफ मेंबर में लिखा है, लेकिन वो रजिस्टर ऑफ मेंबर में नाम बार बार चेंज होता रहता है, नाम बार बार चेंज होता रहता है। तो कंपनी ये पता लगाना चाहती है कि मेरा एक्चुअली में मेंबर है कौन, मैं डिविडेंड किसको दूं, रजिस्टर में तो नाम बार बार चेंज हो रहा है, मैं डिविडेंड किसको दूं, ऐसा नहीं हो कि मैं किसी गलत आदमी को दे दूं, बोनस शेयर किसको दूं। तो ये पता लगाने के लिए कि एक्चुअली में मेरा रजिस्टर्ड इक्विटी शेयर होल्डर कौन है, मुझे डिविडेंड का पेमेंट किसे करना चाहिए, मुझे बायबैक के अंदर किससे शेयर परचेज करने, किसको पैसा देना है, एक्चुअल रजिस्टर्ड इक्विटी शेयर होल्डर का पता लगाने के लिए कंपनी क्या करती है, अपने इन रजिस्टर्स को क्लोज कर देती है कुछ टाइम के लिए। कंपनी ना पहले ही न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दे देती है, कंपनी पहले ही न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दे देती है कि फलानी तारीख को मेरा हमारे रजिस्टर बंद हो जाएंगे, फलानी तारीख को हमारे रजिस्टर बंद हो जाएंगे। और एक बार रजिस्टर बंद हो गए तो उस रजिस्टर में जिस बंदे का नाम होगा मेरे लिए तो वो मेंबर है, मैं उसको बेनिफिट दे दूं, डिविडेंड का, बोनस शेयर का, जितने भी बेनिफिट है। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी न्यूज़पेपर, कंपनी को कभी कभी कुछ ऐसे काम होते हैं जो सिर्फ रजिस्टर्ड इक्विटी शेयर होल्डर से ही होते हैं और किसी से नहीं होते, एक्चुअल रजिस्टर्ड इक्विटी शेयर होल्डर से। और वो कौन है, इस बात का पता लगाने के लिए कंपनी को अपने रजिस्टर्स और मेंबर क्लोज करने पड़ते हैं, रजिस्टर ऑफ मेंबर बंद करने पड़ते हैं, जिससे एक बार उसके अंदर जिसका नाम आ गया कंपनी बोलती है अब तो मेरे लिए यही मेंबर है, चाहे से तुमने शेयर बेच दिया मेरे लिए तो वही मेंबर है जिसका नाम रजिस्टर में आ रहा है, वरना मैं किस किस को ढूंढती फिरूं कौन है मेंबर एक्चुअल। तो कंपनी पता लगाने के लिए एक्चुअल रजिस्टर्ड इक्विटी शेयर होल्डर का अपने रजिस्टर को बंद कर देती है। जिस दिन रजिस्टर बंद होता है, जिस दिन वो रजिस्टर बंद होता है उसे बोलते हैं रिकॉर्ड डेट। और जितने दिन तक बंद रहता है उसे बोलते हैं बुक क्लोजर। ज्यादातर स्टूडेंट और टीचर भी मैंने देखा है इन दोनों को एक ही बता देते हैं, इनका मीनिंग अच्छे से समझ लो। कंपनी सपोज करिए कि रिलायंस कंपनी 1 अगस्त को अपने रजिस्टर बंद कर रही है, तो ये रिकॉर्ड डेट है और 10 दिन के लिए बंद कर रही है, ये 10 दिन बुक क्लोजर है। तो मैं दोबारा से बता देता हूं, अभी तक हम इस पर आए नहीं, अभी तो मैं आऊंगा रेगुलेशन पे, अभी सिर्फ कंसेप्ट बिल्डअप कर रहा हूं मैं आपका कि कंपनीज को बहुत सारे काम सिर्फ रजिस्टर्ड इक्विटी शेयर होल्डर से होते हैं। रजिस्टर्ड इक्विटी शेयर होल्डर कौन है? जिसका नाम रजिस्टर में लिखा है, लेकिन रजिस्टर में भी नाम चेंज होता रहता है, उसके लिए कंपनी अपने रजिस्टर बंद करती है और एडवांस में बता देती है लोगों को कितने दिन पहले, वो मैं बताऊंगा आप लोगों को कि कुछ दिन पहले एडवांस में बता देती है, कम से कम 7 दिन पहले बता देती है कि हम रजिस्टर बंद करने वाले हैं। और एक बार उस जिस भी बंदे का नाम उसमें मेंबर की तरह आया वही मेंबर माना जाएगा। जिस दिन वो रजिस्टर बंद होता है उसे रिकॉर्ड डेट बोलते हैं, जितने दिन के लिए बंद रहता है उसको बुक क्लोजर बोला जाता है। सर ये तो बताइए कि ये इंफॉर्मेशन लिस्टेड कंपनी देती किसको है? एक तो स्टॉक एक्सचेंज को और पब्लिक को। सर कैसे? स्टॉक एक्सचेंज को पर्सनली बताती है, पब्लिक के लिए न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज करती है। सर कितने दिन पहले? अगर राइट इशू का केस है, मतलब कंपनी राइट इशू लेकर आ रही है, तो 3 दिन पहले, जिस दिन इशू ओपन होगा उसके 3 दिन पहले। जैसे एयरटेल कंपनी राइट इशू लेकर आ रही है, तो राइट इशू आपको पता होगा सिर्फ रजिस्टर्ड इक्विटी शेयर होल्डर के लिए लाए जाते हैं, तो इशू ओपन होने वाला है 1 अगस्त को, उसके कम से कम 3 दिन पहले न्यूज़पेपर में, कम से कम 3 दिन पहले, चाहे से 10 दिन पहले लाओ, कम से कम 3 दिन पहले। अगर राइट इशू का नहीं है, बाकी कोई दूसरा केस है, तो 7 दिन पहले। स्टूडेंट बोलता है अब आ गया सर मजेदार समझ में, कोई दिक्कत नहीं है, और अभी तक आपने हमें समझा दिया LODR क्या होता है, वन टाइम कंप्लायंस, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली और इवेंट बेस्ड। यहां तक पूरा चैप्टर एक एक चीज समझ में आ गई है, एग्जाम्पल के साथ में समझाई है, 2 क्लासेस हुई है, 1 पहली और 1 ये,
अगर प्रॉब्लम है वीडियो को पॉज करो, दोबारा देखो, समझ में आ जाएगी। लास्ट रेगुलेशन बची है। लास्ट रेगुलेशन क्या है? एक लिस्टेड कंपनी के लिए जरूरी है उसकी खुद की वेबसाइट हो। आप भी देखिए ना, आप अगर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इवन किसी कंपनी से ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहते हो, तो आप यह चाहते हो यार इसकी खुद की कम से कम वेबसाइट तो हो। अगर किसी कंपनी की वेबसाइट नहीं निकलती तो आप सोचते हो ये फर्जी कंपनी है क्या यार, इसने अपनी वेबसाइट तक नहीं बनाई, कैसी बेकार कंपनी है यार ये, सोचते हो ना। मैं आपसे बोल रहा हूं लिस्टेड कंपनी की वेबसाइट होना जरूरी है और उस वेबसाइट पर कंपनी की इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। स्टूडेंट बोलता है ठीक है सर, लिस्टेड कंपनी की वेबसाइट होना जरूरी है, वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। अगर इंफॉर्मेशन चेंज हो गई तो, जैसे हमने जब वेबसाइट बनाई उस पर इंफॉर्मेशन लिख दी थी, हमने लिख दिए थे डायरेक्टर्स के नाम, कंपनी सेक्रेटरी के नाम, हमारा एड्रेस, चेंज भी तो हो सकता है ना, एड्रेस चेंज हो जाए, डायरेक्टर चेंज हो जाए, कुछ भी चीज चेंज हो जाए, एड हो जाए। तो अगर वेबसाइट पर जो कंटेंट है, हमारी लिस्टेड कंपनी की वेबसाइट पर जो कंटेंट है, अगर उसमें चेंज होता है तो वो 2 दिन के अंदर अंदर स्टॉक एक्सचेंज को बताया जाता है। स्टूडेंट बोलता है समझ गया, ये पूरा चैप्टर समझ गया, बड़ा ही इजी है। और स्टूडेंट एक चीज और बता दूं, मैंने आप इस चैप्टर में आपको जितनी रेगुलेशन पढ़ाई है ना, वो सभी इंपॉर्टेंट है, उनके अलावा बाकी रेगुलेशन पे हाथ मत मारिएगा। और भी रेगुलेशन होती है, उन पे हाथ मत मारिएगा। ऑल्दो होने को एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी आती है, लेकिन वो हम सेपरेटली अलग से पढ़ते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस को, उसकी 3-4 क्लासेस लेते हैं, सेपरेट लेते हैं, वो बड़ा टॉपिक है, वो तो हम डिटेल में पढ़ते हैं, बहुत अलग, बहुत ही डिटेल में। लेकिन मैं अभी बता रहा हूं ये रेगुलेशन मोर देन इनफ है। स्टूडेंट्स आपके पास में मेरे नोट्स ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, अगर आपने क्लासेस परचेज की हुई है या लाइव क्लास ले रहे हैं आप मुझसे, तो आपको बुक मेरी पहुंच चुकी है। अगर आप कहीं पर इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम कहीं भी देख रहे हो और नोट्स आपको चाहिए फ्री में डाउनलोड करने हैं, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड कर लो वहां से जाकर। उसके अलावा अगर आपको मेरी क्लासेस परचेज करनी है तो इस नंबर पे कॉल, व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर दें। बहुत ही नॉमिनल फीस में आपको हमारी क्लासेस मिलती है, प्लस नोट्स मिलते हैं, प्लस आपके टेस्ट होते हैं, प्लस क्वेरी सॉल्व होती है हर स्टूडेंट की अलग से सेपरेटली। एक तो हम आपको क्लासेस देते हैं, प्लस आपको नोट्स मिलते हैं, प्लस आपके टेस्ट होते हैं। एक वीक में कम से कम 2 टेस्ट होते ही होते हैं, कंपलसरी है। प्लस आपकी क्वेरी सॉल्व करी जाती है, स्पेशली हर स्टूडेंट की अलग से सॉल्व करी जाती है। तो बहुत ही नॉमिनल फीस पे बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन है। आप इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कीजिए, मेरी पूरी टीम आपको अच्छे से रेस्पॉन्स देगी। अगर आप जून 2022 में या मई 2022 में, अगर जून 2022 में अगर आप एग्जाम देने वाले हैं 2 महीने बाद, तो फिर आपके लिए हमने एक नया मोनिका ऑफर निकाला हुआ है। सिर्फ 1500 रुपए में आप CMA फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, कोई से भी सब्जेक्ट की क्लास परचेज करोगे तो 1500 रुपए में मिल जाएगी। तो चलिए स्टूडेंट्स, यहां पर हमारा ये चैप्टर खत्म होता है, फिर आगे का चैप्टर हम अपनी नेक्स्ट क्लासेस में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।